हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हमारे का और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो हम बात करेंगे MT15 की महा अपडेट के बारे में। और भाई, अगर आप MT15 आजकल में खरीदने वाले हो तो सबसे पहले इस वाले वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद ही खरीदना, वरना आप पछताओगे यार। भाई देखो, MT15 ना अपनी सेगमेंट की सबसे बढ़िया बाइक है। और भाई MT15 155cc की इकलौती ऐसी बाइक है जिसके अंदर आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिलता है। बाकी 155cc के सेगमेंट किसी भी बाइक में लिक्विड कूलिंग आपको देखने को नहीं मिलता है। MT15 चलाने वाले जितने भी राइडर थे उन सबका सिर्फ दो शिकायत था ज्यादा, कि उसका तो एक सीट बहुत ही छोटा है और सेकंड थिंग कि उसके अंदर सिंगल चैनल ABS आता है। तो यामाहा वालों ने जितने भी राइडर थे सबका सुन लिया और उसके अंदर डुअल चैनल ABS डाल दिया है। और भाई देखो, डुअल चैनल ABS वाला जो वेरिएंट है ना, अभी इंडिया में नहीं आया है, वो लॉन्च हो गया है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो अगर आप MT15 खरीदने वाले हो, खरीदने के लिए पैसा पूरा जुगाड़ लियो, तो भाई रुक जाओ अभी एक महीने दो महीना, जब तक डुअल चैनल ABS नहीं आता है। बिकॉज ऑफ अगर डुअल चैनल ABS आ गया और उससे पहले आप सिंगल चैनल ABS वाले को परचेज कर लिए, तो भाई आप बहुत पछताने वाले हो। और भाई सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS दोनों बाइकों की प्राइस डिफरेंस की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाली है यार, 8 से 10 हज़ार डिफरेंस रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो आप अगर MT15 सिंगल चैनल ABS लेने के लिए तैयार हो तो 8-10 हज़ार और जुगाड़ कर लो यार, बहुत अच्छी बात है, आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। और MT के अंदर दूसरी चेंजेज की बात करें तो उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता था, और जिस हिसाब से MT का लुक है ना भाई, एकदम ब्यूटी उसके अंदर जचता नहीं था वो बड़ा वाला इंडिकेटर, तो कंपनी वालों ने उसको भी चेंज कर करके और छोटा वाला पतला LED इंडिकेटर डाल दिया है। और भाई सीट की बात करें तो सीट के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और भाई अगर कंपनी वाले सीट को लंबी कर देगी तो बहुत ही बियर्ड दिखेगी, जिस हिसाब से उसका लुक है ना, उसके सीट को ज्यादा लंबा ना करे तो ही ज्यादा बेहतर है। और मेरे हिसाब से नहीं लगता यार कि वो सीट को चेंज करेंगे, मतलब लंबा करेंगे, और नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहे। और भाई इसके अलावा और कोई भी अपडेट अगर आती है तो इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा बाइक से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना यार। मिलते हैं कोई और वीडियो में।